नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस इन्फो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे पे, एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके लिए आप सबके ढेरों सारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आए थे। यानी कि कई सारे वीडियोस में हमने देखा था कि आप में से मैक्सिमम छात्र लगातार क्वेरी कर रहे हैं कि सर, कितने नंबर हमको पास होने के लिए चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में, और सर क्यों कुछ छात्र फेल हो जाते हैं, या फिर अगर सर मैं फेल हो जाता हूँ तो कैसे मैं पास होऊंगा, कैसे मुझे फिर से एग्ज़ाम देना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बैक क्या होता है, यानी कि बैक लगना क्या होता है, कैसे आपका बैक लगता है, और अगर आपको किसी अपने सब्जेक्ट में नंबर बढ़वाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। यानी कि दोस्तों, कम्प्लीटली ये वीडियो आप सबके लिए डेडिकेटेड है जो छात्र इन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ सके और कन्फ्यूज़न की स्थिति फिर से आपके मन में ना बने। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है। हालांकि वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक जानकारी मैं यहाँ पे आपको और भी दे देना चाहता हूँ कि काशी विद्यापीठ ने ऐसा कुछ बोला है कि अगले सेमेस्टर से वो किसी भी छात्र को फेल नहीं कहेगा, मतलब नहीं करेगा। हालांकि दोस्तों, ये ऑफिशियली जो है, यानी कि आधिकारिक तौर पर नोटिस के थ्रू ये कन्फर्म नहीं हुआ है, केवल ये न्यूज़ आर्टिकल में ये चीज़ आया था, तो अभी भी इसको हम कन्फर्म नहीं मानेंगे। हालांकि जैसे ही वो ऑफिशियल नोटिस हमारे पास आती है, हम आपको अपडेट करते भी हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसके लिए केवल आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे आपको वो सारी जानकारियाँ काशी विद्यापीठ से संबंधित मिले जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी हमारे पास और भी है जो आपको हम देने वाले हैं। और दोस्तों, वो जानकारी ये कि आप में से किसी को काशी विद्यापीठ के बारे में या फिर आपको काशी विद्यापीठ से रिलेटेड किसी कॉलेज के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप डीएनएस के इंस्टाग्राम पे एसएमएस करते थे, उस पर रिप्लाई आपको नहीं मिलता था। लेकिन चूंकि मैंने अपना अभी अभी 2-4 दिन पहले अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाया है, तो आप इस नंबर पर या फिर इस आईडी को आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ से आप अपनी क्वेरी कॉम से पूछ सकते हैं विद इन 24 आवर्स। देखिए, लगभग 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हम आपको उस मैसेज का रिप्लाई कर देंगे। तो ये आपके लिए थी कि कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मैसेज था हमारे साइड से। ठीक है, और हाँ, आईडी क्या है आप यहाँ से देख के समझ लीजिए, अभिमान सिंह डीएनएस लिखा है। ठीक है, अभिमान सिंह डीएनएस अगर आप सर्च करेंगे तो मे बी ये टॉप पे शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सर्च करके यहाँ से आप हमको मैसेज करके कोई भी अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आते हैं आज के अपने इस वीडियो के टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक था कि आपको किसी भी कोर्स के किसी भी पेपर में कितना परसेंट मिनिमम, कितना नंबर होना चाहिए जिससे आप पास हो जाएंगे। जैसे दोस्तों, मैं मान लेता हूँ, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। ठीक है, और आपने कोई दो सब्जेक्ट लिया, अगर मैं स्पेशली अगर बीए की बात करूँ या फिर बीकॉम की या फिर बीएससी किसी की बात करूँगा, तो मैं अगर बीएससी की बात करता हूँ तो मान लीजिए बीएससी में आपने अपने 3 सब्जेक्ट लिए हैं मेनली। देखिए, मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। आपका क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, मेनली ये बच्चे लेते हैं। मान लीजिए कि आपका मैथ है, तो मैथ में क्या होता है दोस्तों कि मैथ में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। ठीक, तो आपको अगर उस सब्जेक्ट में पास होना है, मान लीजिए कि 2 पेपर है और एक पेपर 100 नंबर का है और दूसरा पेपर भी 100 नंबर का है। ठीक है, तो इनमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने होंगे। 33% का मतलब समझ रहे हैं आप लोग मेरे ख्याल से। इट्स मीन कि अगर आपको किसी भी काशी विद्यापीठ के एग्ज़ाम में अपीयर होना है, पास होना है, तो मिनिमम आपका 33% होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाई दिया है कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई पेपर 100 नंबर का है, 100 नंबर का है, ठीक है, तो मिनिमम आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा तब आप उस पेपर में पास हो पाएंगे। ठीक है, और वहीं आपका मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपका 100 नंबर में से आपका 60 नंबर आता है, तब आप क्या है, फर्स्ट डिवीज़न से आप पास हो गए। ठीक है, ये फर्स्ट डिवीज़न होता है। अगर आप 60 के नीचे आएंगे तो सेकंड डिवीज़न होगा, 50 के नीचे आएंगे तो वो थर्ड डिवीज़न होगा। ठीक है, तो आपको मिनिमम 33 नंबर लाने पड़ेंगे, 33%। ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब ये है कि आपका किसी भी कितने भी नंबर का पेपर हो रहा है उसका आप 33% निकाल लीजिए मिनिमम। ठीक, 33% अगर आपका नंबर आता है तो आप उस सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ गए। ठीक है, ये अप्लाई किस पे होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब पे अप्लाई होता है।
ठीक। अब 20 से 30% छात्र फेल क्यों होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बीए बीएससी बीकॉम को हल्के में लेते हैं, वो मन से पढ़ाई करते नहीं है, एक तो साल भर वो पढ़ते नहीं है, लास्ट में क्या करते हैं गाइड लेकर पढ़ते हैं, तो फेल होने का रीज़न वही होता है, वो क्या करते हैं बस कुछ भी छाप के चले आते हैं। तो अगर आपको वाकई अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको स्कोर लाना है, तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आप लोग ला पाएंगे। हालाँकि ये छात्र लापरवाही ये भी करते हैं कि ये लोग जो है क्या करते हैं कि इनकी राइटिंग वगैरह भी अच्छी नहीं होती है, कॉपी कुछ लोग तो कॉपी पूरा भर ही नहीं आ पाते हैं, तो ये भी इनका रीज़न होता है, कई सारे रीज़न होते हैं। देखिए अब फेल होने के कई सारे रीज़न्स हैं, हो सकता है कि वो पढ़ते ना हो सकता है कि उनका एग्ज़ाम में बैठे हों, उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो, मतलब कई सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। तो डजेंट मैटर फेल क्यों होते हैं, लेकिन आपको उस फेल से निकलना कैसे है ये हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि बैक के बारे में आपको मैं सबसे पहले समझा देना चाहता हूँ, बैक क्या होता है, ठीक है। बैक का मतलब ये होता है कि देखिए एक ईयर बैक होता है और एक पेपर बैक होता है, ठीक है। ईयर बैक का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपने क्या किया है कि अगर हमें देखिए बीए में भी 3 सब्जेक्ट होता है, बीएससी में भी 3 सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स में शायद कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मान लेता हूँ मैं कि कोई छात्र पीसीएम का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक। आपने इन तीनों का पेपर दिया, ठीक। मैं मानता हूँ कि आपने क्या किया कि आपने फिजिक्स के दोनों पेपर में आपने पास कर लिया, आपने केमिस्ट्री में क्या हुआ आपका कि आपने केमिस्ट्री में आप फेल हो गए, आप मैथ में फेल हो गए, या फिर कोई एक पेपर निकला इसमें से, तो आप क्या है आप फेल हो गए हैं, आपका क्या लगेगा ईयर बैक लगेगा। ध्यान दीजिए, आप दो सब्जेक्ट से दो से अधिक पेपरों में अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर आप पास नहीं होते हैं, तब आपका 1 ईयर ड्रॉप हो जाएगा, मतलब 1 ईयर आपका बैक हो जाएगा। मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको अगले साल फिर से सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, फिर से मैं समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं और आप दो से अधिक जो है कि पेपर में फेल होते हैं, तो आपका ईयर बैक लगेगा, फिर से आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका दो पेपर में बैक है, एक पेपर में बैक है, तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म, बैक का फॉर्म भर करके आप उसमें पास हो सकते हैं। मेरी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं बहुत ही ध्यान से आपको प्रयास करता हूँ कि एक एक चीज़ को समझाऊँ, क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ कि बहुत तेज तरह के बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को, बहुत स्मार्ट बच्चे देख रहे होंगे, लेकिन मेरा इस वीडियो के थ्रू ये पर्पज़ है कि हम उन बच्चों को भी समझा सकें जो बच्चे थोड़े से मतलब वो नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, मैं उनको आसान भाषा में समझाता हूँ, मैं आराम से समझाता हूँ, भले वीडियो लंबा होता है। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो लंबी होती है, लेकिन भाई आपके काम की वीडियो है, कोई यहाँ पर कॉमेडी और कोई मूवी तो चल नहीं रही है, 10 मिनट देख लेंगे तो आपका नुकसान कुछ होगा नहीं, आपको एक जानकारी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि 33% आपका किसी भी सब्जेक्ट में होगा तो आप फेल नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे, मिनिमम आपका होना चाहिए पास होने के लिए। बाकी मैंने बता दिया बैक कैसे लगता है, दो से अधिक पेपर में अगर आपका फेल है, आप 33% नंबर नहीं लाए तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, आपका ईयर बैक लगेगा, फिर से आप उसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका मिनिमम एक सब्जेक्ट में बैक, दो सब्जेक्ट में बैक लगता है या फिर आपका फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप बैक का पेपर इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे करके आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करके अगली क्लास में पढ़ सकते हैं, ठीक। अब आप में से कुछ छात्र ये होंगे कि सर मेरा इस सब्जेक्ट में नंबर कम हो गया है, तो मैं नंबर बढ़ाने के लिए क्या करूँ। मान लीजिए कि आपने कोई 3 सब्जेक्ट दिया, एक सब्जेक्ट में आपका नंबर कम हो गया, ठीक। तो उसका कारण निवारण क्या है कि आपको इसके लिए इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी पेपर का आपको एग्ज़ाम देना होगा। मान लीजिए कि आपका बीए है, आपका हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी में मान लीजिए कि आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, तो फर्स्ट पेपर आपका अच्छा गया, सेकंड पेपर आपका ख़राब गया है, तो सेकंड पेपर में अगर आप अपना नंबर बढ़वाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि अभी फॉर्म आ भी चुका है, बैक का इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आ चुका है, तो उसका फॉर्म भर के आपको केवल उसी पेपर का, मतलब केवल सेकंड पेपर में लगा है तो केवल सेकंड पेपर का आपको क्या देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एक महीने में आपका वो रिजल्ट आ जाएगा और आपका नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको एक एक आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी किसी को डाउट होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कोई भी अपडेट काशी विद्यापीठ से आती है तो DNS आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।